हो आ गए आप। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की, आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में सबसे पहले जय माता दी लिखिए। आपके घर के सभी बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, और जितने भी छोटे हैं उन्हें मेरा बहुत सारा प्यार, और जितने भी मेरे हम उम्र हैं उन्हें मेरा बहुत सारा सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप खुश रहें, मस्त रहें। आपके पितरों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। माता रानी करे कि उनको शांति मिले, अगला जीवन बहुत अच्छा मिले। और मेरे पितरों या आपके पितरों, मैं तो कहती हूँ कि इस मृत्यु लोक में आने जाने का आगमन खत्म हो जाए। इंसान बस खुश रहे, इंसान बस मस्त रहे, उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी ना हो, ये संभव नहीं है। क्योंकि हमारे को अगर भगवान एक मौका दे कि ज़िंदगी का दूसरा नाम क्या रखना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी का जो दूसरा नाम है ना, वो है संघर्ष। वो है कि कुछ करते चले जाना। हमें ना अपनी ज़िंदगी के अंदर घड़ी की सुइयों से सीखना चाहिए। वो घड़ी की सुइयाँ कितनी पुरानी हो जाएं, हम उसकी डस्टिंग करें ना करें, लेकिन वो टिक 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 करके चलती रहती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे, राखी जी उसमें अगर हम सेल ना बदलें तो वो रुक जाती हैं, लेकिन रुकी हुई घड़ी भी दिन में दो बार सही समय देती है। जैसे जब दो बज रहे होंगे तो वो दो ही देगी अगर वो दो पर रुक गई है, जब रात के दो बजेंगे तो वो टाइम देगी दो का, तो जब दो ही बज रहे होंगे तो रुकी हुई चीज़ भी कभी ना कभी काम आती है। रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, दुआ सलाम नमस्कार आदाब कभी बंद मत करो। ना जाने कब कौन सा रिश्ता कब काम आ जाए। और जब हम घमंड में ये कहते हैं ना, जा तेरी औकात क्या है, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तू मेरा घर नहीं चला रहा, भगवान उसी दरवाजे पर जाकर हमें अपनी नाक रगड़वाता है, ये बात समझ लीजिएगा। तो हमेशा ये बोले, भाई मैं तो मानव हूँ और तुच्छ मानव हूँ, मुझे तो कभी भी किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मुझे अपने रिश्ते, दोस्त, यारी, अड़ोसी पड़ोसी सब चाहिए। क्योंकि संसार में जब हम आते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने साथ किसी को लाते हैं, जैसे कि जुड़वा बच्चे, लेकिन मैक्सिमम लोग तो दुनिया में अकेले ही आते हैं ना। जब लोग अकेले आते हैं तो अकेले रह नहीं पाते, हमें रिश्तों का साथ चाहिए होता है। ज़िंदगी भी कितनी अजीब है, हर पल खुशी से जी लो ऐ दोस्त। क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज मैं राखी हूं, अगर मैं हॉस्पिटल जाऊं और किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाए तो दुनिया वाले, घर वाले मुझे सब राखी 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 कहते हैं। आप लोग भी डॉक्टर वाई राखी का प्रोग्राम देखते हैं, ये होता है वो होता है। अभी रिसेंटली मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से भी मेल खाती हैं। जैसे ही मैं मर जाऊंगी तो घर वालों का फ़ोन पता है कैसे आएगा, हाँ यहाँ सारा इंतज़ाम हो गया, बॉडी कितनी देर में आ रही है, अच्छा बॉडी पहुँचने वाली है, ठीक है बॉडी को घर के बाहर रखना है। मतलब मेरे मरने के जस्ट 5 मिनट बाद लोग मेरा नाम भूल जाएंगे, मेरी हस्ती भूल जाएंगे। लोग YouTube पर भी जब मेरी बॉडी के आखिरी दर्शन करेंगे तो बोलेंगे, देखा डॉक्टर वाई राखी की बॉडी कैसे पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी मुस्कुराने लगेंगी, बॉडी एकदम काली पड़ गई थी, बॉडी एकदम मुस्कुरा रही थी, बॉडी पर एकदम नूर था। देखिए बातें सुनने में अजीब लगती हैं, कड़वी हैं, पर सच्चाई यही है और सच यही है। कितनी अजीब बात है ना कि हमारे अपने हमें 10 मिनट में भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम जिंदगी भर उन अपनों के लिए दुनिया से दुश्मनी लेते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। क्या कहते हैं, अरे मेरी नंद ने मेरे पति की बहुत बेइज्जती करी, नंद है तो उसका क्या मतलब, अपने घर जाए, मेरे पति की बेइज्जती करने वाली कौन होती है। वही पति आपको कुछ देर बाद जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो आपको बॉडी ही कहेगा। नंद शायद आपके लिए दो आंसू रो देगी, और नंद नहीं रोएगी तो दुनिया पता है क्या कहेगी, भाभी ने इतना तंग किया होगा कि नंद की आंखों में दो आंसू भी नहीं थे, मतलब वो कितनी खुश है अंदर से इसके जाने के। हमें ये 5 उंगलियां भगवान ने क्यों दी, एक ही दे देता बस, ये अंगूठा बीच में दे देता और एक अंगूठा होता बस, दुनिया को अंगूठा दिखाते रहते। नहीं, भगवान ने ये 5 उंगलियां हमें इसलिए दी कि हमें बार बार ये एहसास हो कि हमें 5 अलग अलग लोगों की जरूरत जिंदगी में हमेशा पड़ेगी। और फिर इन उंगलियों के बीच में गैप क्यों दिया, ऐसा जुड़ा हुआ दे देता, ताकि हमें ये एहसास हो कि इन हाथों में किसी के हाथ की गर्मी महसूस होनी जरूरी है। अकेले हम नहीं चल सकते, हमें किसी के प्यार के एहसास की जरूरत है, और कई बार हम प्यार के लिए बहुत तरसते हैं। थैंक यू सो वेरी मच इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना विश्वास करने के लिए। मैं दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ भगवान का कि घड़ी वाले चमत्कारों ने, घड़ी वाले उपायों ने आपकी घड़ी और आपकी ज़िंदगी को 24 घंटों में बदला। मैं सच बोल रही हूँ, आप, मैं और पूजा खुद दंग हैं। एक दिन तो पूजा ने मुझसे कहा, मैम ये घड़ी वाला उपाय मैं आज खुद घर जाके करने वाली हूँ। इतने ज़्यादा व्हाट्सअप आ रहे हैं लोगों के, घड़ी के पीछे विश लिखते ही, लोगों की घड़ी के पीछे विश लिखते ही चमत्कारी तौर पर लोगों की विशेस पूरी हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा उनके घर घड़ी नहीं है। अब लोगों के घर घड़ी नहीं है ये बात जानकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। थैंक यू सो मच, मैंने कुछ नहीं किया, ये सबसे ज्यादा क्रेडिट माता रानी को जाता है, फिर दूसरा आपको जाता है,
तीसरा आपके विश्वास को जाता है और चौथा क्रेडिट मुझे जाता है, लास्ट का एकदम। आप वो भी नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। शिद्दत से यूं ही उपायों को करते रहे। मैं बहुत खुश हूँ इन दिनों में जितने लोग मुझसे ऑफिस में मिलने आए वो हर कोई मेरे लिए चॉकलेट बुके या टॉफियाँ या मिठाई लेकर आया। मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि आप मेरे लिए तोहफे लाए। उनका रिएक्शन पता है ऑफिस में आने के बाद क्या था? ओए होए मैम हम आपको देख रहे हैं, यकीन ही नहीं हो रहा। मैम एक फ़ोटो खिंचवा लो, मैम पैर छूने दो, मैम ये कर ले दो, मैम ज़िंदगी बदल दी आपने मेरी, मेरी ज़िंदगी बदल दी। लोगों ने ऐसे ऐसे वॉइस मैसेजेस भेजे हैं जहाँ पर लोगों ने कहा है कि लोगों की इंटायर लाइफ हैज़ चेंज्ड जस्ट बिकॉज ऑफ उपायास। तो ये सब कुछ बहुत दिल से आपका शुक्रिया। मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी कहा आपकी ज़िंदगी इतनी बदली, आपने घर खरीद लिया, आपके बेबी हो रहा है, आपकी सासू माँ के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो गए, आपका व्यवहार बदल गया, आप सुबह जल्दी उठने लगे। प्लीज़ ये बातें जाकर आप व्हाट्सअप पर या यूट्यूब पर ज़रूर लिखें ताकि और लोग भी इन उपायों को करें और लोगों को चमत्कार दिखे। लोगों के घर पोटलियाँ पहुँची, उनके घर बहुत ज़बरदस्त चमत्कार हैं। अब आपके घर पोटली पहुँची और आपके घर में चमत्कार नहीं है तो भी आप एक बात समझ लीजिए कि वाइब्रेशंस पॉजिटिव होनी शुरू हो गई। किसी को 2 दिन की दवाई से असर हो जाता है तो किसी को 6 दिन की दवाई से असर होता है। कोरोना की जो वैक्सीन है उसे लगाने के बाद कई लोग पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक और कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। एक तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है कि भैया मुझे कोरोना की वैक्सीन लग गई या मुझे कोरोना नहीं होगा, तो कई लोग कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद मर भी गए। ऐसा ही पोटली का भी हिसाब है। आपकी ज़िंदगी में पोटली काम ज़रूर करेगी लेकिन खाली पोटली को अपने घर में मत रखिए, खाली अपनी विश घड़ी के पीछे मत लिखिए, अपने उस विश को अपने दिमाग में रखिए और सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, घर को साफ सुथरा रखने की आदत डालिए। उस घड़ी जिस घड़ी के पीछे आपने विश लिखी है उसके आगे कभी कभी अगरबत्ती दिखा दीजिए, कभी कभी समय को प्रणाम कर दीजिए, समय को नमस्कार कर दीजिए। आपने सुना था ना महाभारत शुरू होते ही आता था मैं हूँ समय और समय के चक्र में ही चला जा रहा हूँ। समय देवताओं के लिए भी बंधित था। 20 साल बाद अमेरिका में एक औरत को 80 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी लेकिन 20 साल तक वो रोज जाकर एक ही दुकान से एक ही नंबर की लॉटरी को खरीदती रही हफ्ते में एक बार। मतलब उसकी जिद थी, उस जिद के आगे परमपिता परमात्मा को भी झुकना पड़ा। अगर आप शिद्दत से उपायों को करते हैं तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। आपके पति आपको छोड़ रहे हैं, आप उनसे तलाक नहीं लेना चाहती, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये सक्सेस का सारा क्रेडिट मुझे नहीं जाता, मैं आपको कह रही हूँ जाकर कबूतरों को बाजरा दें। मेरे कहने पर आप दे भी तो रहे हैं, आपका विश्वास ही तो काम कर रहा है। जब आपसे आपका गुरु आपकी माँ ये कहती है कि बेटा जा तू सक्सेस होगा तो आप सक्सेस पा लेते हैं। आज भी आप अपने घर में केवल 5 चीज़ें बदलकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। खाने से पहले किसी को खिलाइए, जल्दी उठना सीखिए, अपने पूरे घर में मोर पंख रखिए, अपनी सारी विशेष को पॉजिटिव वाइब्स में लिखकर आप कोशिश करें कि आप मेरा ये काम हो गया है, मेरे बच्चा हो गया है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, मैंने घर खरीद लिया है, मेरी लव मैरिज हो गई है, मैं अमेरिका चला गया हूँ, मुझे वीज़ा मिल गया, व्हाटएवर प्रेजेंट टेंस में लिखकर अपने घर की घड़ी के पीछे लगाइए, प्लस उसे अगरबत्ती ज़रूर दिखाइए। अगले साल दिवाली पर पोटली लेने की कोशिश कीजिए और जो पोटली आपके घर है उसे शुक्रवार के शुक्रवार, पूर्णमासी के पूर्णमासी, एकादशी के एकादशी तिजोरी खोलकर वहां पर अगरबत्ती दिखाइए, अपने फ़ोन की टॉर्च से उसे टॉर्च दिखाइए, लक्ष्मी माँ को प्रणाम कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए, गुस्से पर काबू कीजिए, काम वाली के साथ बदतमीजी से बात मत कीजिए, ड्राइवर को ड्राइवर नहीं इंसान समझिए, ऑफिस में अपने से छोटे लोगों की मदद कीजिए, किसी की नौकरी लगाने में हेल्प कीजिए, किसी का वीज़ा लगवाने में हेल्प कीजिए। आप भगवान का शुक्राना 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 ज़रूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में बदलाव हो। गाएं गाएं गाएं, गौ माता गौ माता गौ माता। आज मैं आपको बताऊंगी हफ्ते के हिसाब से गौ माता को आपको कौन सी रोटी खिलानी चाहिए और उससे क्या फ़ायदे हैं, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन करवा। देखिए बैठने से याद रहता है, खड़े रहने से भूल जाते हैं। गुरुवार को अगर आप गाय को हल्दी के आटे की बनी रोटी खिलाते हैं तो विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और ये रोटी 2 की संख्या में होनी चाहिए। रोटी पर घी और गुड़ रखना बिल्कुल ना भूलें आप। अगर आपकी विवाह शादीशुदा ज़िंदगी खराब चल रही है तो भी इस उपाय को करें और अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो भी इस उपाय को करें, लड़का या लड़की कोई भी। लेकिन जिसका विवाह नहीं हो रहा उसके सर पे से इस रोटी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। देखिए घर की पहली रोटी गाय को खिलाना हमारी जिम्मेदारी है,
और ये हमारी सभ्यता भी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज ज्योतिषियों को ये बातें उपाय के तौर पर बोलनी पड़ती हैं। तो उपाय के तौर पर ना कर कर ज़रूरी है कि इन उपायों को आप ज़रूर करें। सोमवार वाले दिन अगर आप आटे के अंदर चीनी मिलाकर चीनी की रोटी बनाकर गाय को खिलाते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, शंकर भगवान की विशेष कृपा आप पर होती है और आपकी मन इच्छाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, जिस भी व्यक्ति को ये उपाय करना है, रोटी को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर से ज़रूर घुमाएं। मंगलवार वाले दिन गाय को जो रोटी आप खिलाएं उस आटे को आप गुड़ के अंदर गूँथ लें और फिर उसकी रोटी खिलाएं गाय को, और ऐसा वो व्यक्ति करें जिन्हें अपना कर्जा उतारना है, और कर्जा उतारने जिसके ऊपर कर्जा है उसके सर पर से इस रोटी को जरूर घुमा लीजिए। बुधवार वाले दिन आटे के अंदर पालक गूंद कर पालक की रोटी गाय को खिलाने से आपकी बुद्धि का विकास होता है, बातों को जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, पढ़कर याद नहीं रहता, मन बुद्धि हैं आप, या स्पेशल चाइल्ड भी आपके घर में है आपको उससे ये उपाय करवाना चाहिए, पर रोटी को एंटी क्लॉकवाइज सर पर से ज़रूर घुमवा लीजिएगा, रोटी दो हो। शुक्रवार वाले दिन चावल, जो उबले हुए चावल होते हैं उसको आटे में मिलाकर उसकी रोटी बनाकर अगर आप गाय को खिलाते हैं और उसमें थोड़ा घी मिला लेते हैं तो आपके घर में धन का आगमन होगा, आपको धन आराम से मिलने लगेगा, जितना पैसा सोचेंगे उतना चलकर आपके घर में आएगा, और इस उपाय को ज़िंदगी भर भी आप कर सकते हैं, चाहे कोई भी उपाय हो, मंगलवार का, सोमवार का, बुधवार का, क्योंकि इस बहाने गाय की रोटी भी आपके घर से जाएगी और धन का आगमन भी होगा। शनिवार वाले दिन आटे में नमक डालकर उतना ही नमक जितना आप खा सकते हैं, अब ये मत सोचें अच्छा शनि की सारस्वती हटेगी, अच्छा हमें नौकरी मिल जाएगी तो हम ज़्यादा नमक डाल लेते हैं, जानवर भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप और हम हैं, इनफैक्ट हमसे बेहतर हैं। तो आप नमक की रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं, लेकिन हल्का सा चुटकी भर नमक, ऐसा करने से आपको नौकरी जल्दी मिलेगी अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है। संडे वाले दिन आप गाय को घी की रोटी खिलाएं, आटा जब गूंदे तो उसमें घी डाल लें और घी की रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाने से आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और इसको अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमा लें। हर दिन गाय को रोटी खिलाने से आपका इंश्योरेंस हो जाता है कि आपका कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। तो मैं तो हर रोज़ खिलाती हूँ, मैं कोई गुड़ किया किसी की नहीं खिलाती, सिंपल 2 रोटी बनाती हूँ, अपनी जिम्मेदारी समझकर खिलाती हूँ। अब हल्दी की रोटी शादी तो मुझे करनी नहीं है, कर्जा मैं इतना लेती ही नहीं हूँ, मेरे पास पैसे ना हो तो मैं पैसे खर्चती ही नहीं हूँ, और मैं कोई भी चीज़ देखकर उसकी चीज़ें पीछे भागती नहीं हूँ, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए। देखिए, एक ही कपड़े को पहनकर चुन्नियाँ बदल बदल कर मैं उपाय कर लेती हूँ, आपको मेरे चेहरे से या देखिए चेहरा तो खूबसूरत होना चाहिए तभी बात समझ में आती है, बदसूरत चीज़ कोई भी नहीं देखना चाहता, और मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए, और खूबसूरती अंदर से होती है तभी मेकअप में भी नज़र आती है, वरना आप जितना मर्जी मेकअप कर लीजिए वो खूबसूरती कभी नज़र नहीं आ सकती। अच्छी प्रेजेंटेशन मेरा शौक है, मैं काफ़ी शौकीन हूँ, लेकिन मैं कर्जा लेकर अपने शौक पूरे कभी नहीं करती है, तो ठीक है, नहीं तो भैया नमक से रोटी खा लो। तो भाई आपका फ़र्ज़ है आप हर रोज़ रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। एकादशी पर गाय को रोटी खिलाने से आपको एकादशी का फल, व्रत रखें ना रखें, उसका 4 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अमावस पर गाय को रोटी खिलाने से पितृदोष दूर होता है। प्रदोष में गाय को रोटी खिलाने से आपके रिश्तों में मजबूती आती है, और अपने माँ बाप का पैर छूकर उनका हाथ लगाकर, क्योंकि वो बड़े बुज़ुर्ग हैं और अगर वो घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ओए होए फिर तो पूछिए ही मत। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी माँ हमसे कहती थी बेटा यहाँ हाथ लगा लो, आज ये दिन है, आज ग्रहण है, इसको हाथ लगाकर दान कर लो। अपने आप के अंदर झाँक कर आप पूछिए, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो आज अपने माँ बाप से अमावस पर, पितृदोष पर या ग्रहण पर हाथ लगवा कर ये कहते हैं माँ बचपन में तो तू करवाती थी, आज मैं करवाता हूँ, तू इसे हाथ लगा दे, मैं ब्राह्मण को दे आता हूँ, क्योंकि तू मंदिर तक जाएगी तो तेरे पैरों में दर्द होगा। कितने बच्चे ऐसा करते हैं, और जो बच्चे ऐसा करते हैं उन्हें ज़िंदगी में कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई दिया, कोई गणेश चालीसा, कोई हनुमान चालीसा करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपके माता पिता आपसे खुश हैं। आपको पता है अभी गाज़ियाबाद में क्या हुआ, एक 10 साल के बच्चे ने यूट्यूब पर बैठकर एक ऐसी ट्रिक सीखी जिससे आप किसी का भी मेल हैक कर सकते हो, मतलब उसका मेल आईडी के अंदर पासवर्ड ना भी पता हो तब आप चले जाओ, और उसने अपने पिताजी का ही मेल हैक कर लिया, 10 साल का बच्चा, दोबारा ध्यान से सुनिएगा, 10 साल का बच्चा,
और उसने अपने उसके पिताजी कोई सरकारी ऑफिसर थे और कुछ प्राइवेट उनके कुछ उसके अंदर मेल थे जो देश के लिए मतलब बहुत नुकसानदायक हो सकते थे सरकारी नौकरी में, और उसने अपने पिता से 10 करोड़ रुपये मांगे मेल कर कि मैं तुम्हारे ये सारे मेल जग जाया कर दूंगा, नहीं तो मुझे 10 करोड़ रुपये दो। ये आजकल FM पे सुबह से आ रहा है। और जब उसके पता किया गया, पुलिस कंप्लेंट हुई, तो पता चला उनके बेटे ने ये महान काम किया है और 10 साल का बच्चा था, इसलिए ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी ना कुछ। तो भैया हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, आपके बच्चे जब सोशल मीडिया पर बैठे तो उन पर नजर रखें, और YouTube पर डॉक्टर वाई राखी का चैनल देखें, कुछ और ना देखें। जहां रिश्तों की मजबूती हो, जहां 20 की 30 को मिटाना हो और 2021 के अंदर नई उम्मीदों वाला 2021 जगाना हो, सब अच्छा होगा, सोच अच्छी होगी, आप अच्छे होगे तो अच्छा होगा, जो दोगे वही मिलेगा। तो पॉजिटिव दीजिए, पॉजिटिव मिलेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। हाँ, मेरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई आपको भी करेगा। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज, सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी, आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।